फोन में बैटरी हमेशा राइट साइड में ही क्यों दिखाती है? कैसे इस मामूली कॉफी कप की कीमत अंबानी के पूरे घर से भी ज्यादा है? और कैसे सिर्फ इस 18 साल के बच्चे की वजह से पूरी KGF मूवी हिट हो गई? और पेंसिल के पीछे का रबर हमेशा पिंक ही क्यों होता है? ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 21, भोपाल में एक लड़के ने एक आदमी की जान ले ली बस समोसा खाने की वजह से। ये कहानी भोपाल की है, जहां पर एक आदमी ने दुकानदार से बिना पूछे समोसा उठा लिया और समोसा खाने लगा। ये चीज जब दुकानदार के बेटे ने देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया और इस गुस्से में उस बच्चे ने उस व्यक्ति की जान ले ली। ये काफी अनरियल लगता है पर ये सच है। नंबर 20, KGF 2 के एपिक सीन्स को इतना ज्यादा अच्छा बनाने के पीछे एडिटिंग का ही हाथ है। और KGF 2 की एडिटिंग में जो लीड मेंबर था उसमें से एक व्यक्ति बस 18 साल का बच्चा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसका नाम उज्जवल कुलकर्णी है। यानी कि KGF को एक 18 साल के बच्चे ने एडिट किया है और उसका इस फिल्म के हिट होने में बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 19, इस कप की कीमत अंबानी के घर से भी ज्यादा है। गेम ऑफ थ्रोन्स के एक सीन में गलती से उन लोगों ने ये कप दिखाया था और लोगों को लगा कि ये स्टारबक्स का है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में रीट्वीट किया। इसके बारे में न्यूज़पेपर और टीवी में दिखाया गया और इससे स्टारबक्स को फ्री में 2.3 बिलियन से ज्यादा रुपए की पब्लिसिटी मिल गई। अगर स्टारबक्स अपना इतना बड़ा प्रमोशन करने जाता तो उसे 2.3 बिलियन रुपीज लगते। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो कप था ये स्टारबक्स का था भी नहीं। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 2 मिलियन भी जल्दी होने वाले हैं। नंबर 18, दो पायलट्स ने 2 महीने लगातार प्लेन को बिना रोके चलाया था, एक बार भी लैंड नहीं करवाया था। पेट्रोल रिफिलिंग और खाने के लिए वो एक ट्रक का इस्तेमाल करते थे जिससे प्लेन की स्पीड से मैच किया जाता था। ये दोनों बारी बारी से चलाते थे, यानी कि थोड़ी देर प्लेन के पायलट रॉबर्ट आराम करते थे और थोड़ी देर और एक पायलट जॉन चलाते थे और ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। नंबर 17, एक ऐसी बास्केटबॉल टीम थी कि अगर वो एक मैच भी हारते तो उन्हें फांसी लगा दी जाती थी। 1910 में US में एक बास्केटबॉल टीम बनाई थी जो कि डेथ रो में चल रहे प्रिजनर्स की थी, यानी कि उनको फांसी लगने वाली थी। लेकिन उनकी फांसी की जो डेट है वो लगातार बढ़ती जाती थी क्योंकि वो इतना अच्छा खेलते थे। अगर वो एक भी मैच हारते तो बस उनका दी एंड हो जाता। नंबर 16, अगर आप दोपहर में सोते हो तो एक कमाल की बात आपके लिए, जो लोग दोपहर में सोते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड बनते हैं, इसी के साथ उनको हार्ट अटैक आने का चांस भी कम रहता है। लेकिन वही पे दोपहर में सोने का मतलब ये नहीं कि आप 3-4 घंटे तक सो जाओ। नंबर 15, एक ऐसा कलर है जो लोगों को दिखता ही नहीं। डिज्नी अपने डिज्नी पार्क में एक कलर को यूज करता है और वो इस कलर को चीजों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर ऐसी चीज है जो खराब हो चुकी है तो उसके ऊपर ये कलर लगा दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है ये कलर के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता और वो चीजें लोगों के नोटिस में नहीं आती। नंबर 14, ये प्रैंक सुनने के बाद आप हंस पड़ोगे। फ्लोरिडा के एक आदमी ने ऐसा प्रैंक किया था जो बहुत कमाल का था। इसने 12 kg के 3 उंगलियों के शूज बनाए और इसे पहनकर रात में फ्लोरिडा के बीच राउंड मारा। अगले दिन जब लोगों ने ये फुटस्टेप देखे तो उनको लगा कि ये कोई अलग ही जानवर आया होगा और उस आदमी ने ऐसे करीब 10 साल तक किया। उसके बाद ये चीज पूरे फ्लोरिडा में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और दूर दूर से लोग इस फुटस्टेप को देखने आते थे और कई लोग उस जानवर को ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके करीब 40 साल बाद इन्होंने सबको बता दिया कि ये यही थे जो शुरुआत से ऐसा कर रहे थे। नंबर 13, नॉर्मल देशों में वेंडिंग मशीन कोल्ड ड्रिंक या फिर स्नैक्स के लिए होती है, लेकिन जापान में वेंडिंग मशीन इतनी ज्यादा कॉमन है जिससे कि यहाँ पर वेंडिंग मशीन में लोगों को सब कुछ मिल सकता है। ये देखिए, वेंडिंग मशीन से लोग कंप्यूटर के CPU तक खरीदते हैं जो कि लाखों रुपए के आते हैं। यहाँ तक कि वेंडिंग मशीन से लोग चाहे तो कुछ जगह पर पेट्स भी खरीद सकते हैं। नंबर 12, इंडिया के एक आदमी ने अपने रिक्शा पर कुछ इस तरीके से घास और पेड़ पौधे उगाए हैं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये जो घास और पेड़ पौधे हैं वो इसके ऑटो की सारी गर्मी सोख ले और इस बंदे को कम गर्मी हो, और इनका ये अलग अट्रैक्शन लोगों को इनके रिक्शा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नंबर 11, कई लोग अपने बच्चों को बेबी सिटर के साथ छोड़ देते हैं लेकिन ये हमेशा सेफ नहीं होता। हाल ही में एक बेबी सिटर ने 4 साल के छोटे बच्चे को लॉन्ड्री ड्रायर में डाला, उसे बाहर से लॉक किया, उसके बाद लॉन्ड्री ड्रायर को ऑन कर दिया जिसकी वजह से ये कई बार अंदर स्पिन हो रहा था। जब उसे निकाला गया तो उसकी हालत बहुत खराब थी, किस्मत से वो जिंदा बच गया। नंबर 10, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप इमोशनल होते हो और तब आप अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहे हो और तभी आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो फिर आपके आंसू को रोक नहीं पाते और आप और रोने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसी चीज को लेकर उदास होते हैं और उसे हम भूलने की कोशिश करते हैं और ऐसा करके हम आंसू को रोकते हैं। ऐसे में जब कोई पूछ लेता है कि क्या आप ठीक हो तो हम वो सारी बातें फिर से याद करने लगते हैं और हमारे आंसू रुक नहीं पाते। नंबर 9, इंडिया की एक IIT कंपनी हर साल अपने एम्प्लॉयज को BMW गिफ्ट करती है जिसकी कीमत करीब 1
करोड़ रुपए है। और ये उन लोगों को ही गिफ्ट करते हैं जो कि पूरे साल या फिर काफी वक्त से बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो पूरी कंपनी में से बहुत ही गिने चुने लोगों को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि पिछले कितने वक्त से वो कितनी मेहनत से काम कर रहा है और उसके काम से कंपनी को कितना मुनाफा हुआ। ये देखने के बाद उसको एक BMW गिफ्ट कर दी जाती है। नंबर 8, राउंड चीजों को पैक करना बहुत मुश्किल होता है और कई वेजिटेबल्स भी राउंड आते हैं, इसलिए साउथ कोरिया में इन्हें आर्टिफिशियल स्क्वायर से उगाया जाता है। दरअसल जब फ्रूट बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तब उनके ऊपर एक प्लास्टिक का मोल्ड लगा दिया जाता है, जिसके बाद जब फ्रूट ग्रो होता है तो वो स्क्वायर शेप में ही ग्रो होता है। ऐसा करके ये पैकेजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोरिया के साथ चाइना में भी ऐसा किया जाता है। नंबर 7, बहुत लोगों को सोने में दिक्कत होती है जैसे कि उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। तो रिसर्च कहती है कि अगर आप बिना इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल इन सब को यूज नहीं करके एक हफ्ता कैंपिंग करने जाएंगे तो आपकी स्लीप साइकिल सही हो जाएगी। मतलब जैसे रात होगी तो आपको नींद आ जाएगी और सुबह होते ही आपकी तुरंत नींद खुल जाएगी। नंबर 6, अगर आपने आयरन मैन 2 देखी है तो उसके एक सीन में यहाँ पर आयरन मैन जिस मैप के साथ खड़ा है वो अफ्रीका का है और इसमें जिस जगह को पॉइंट किया जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि वकांडा है। अगर आप मार्वल के फैन हो तो आपको पता होगा कि वकांडा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आयरन मैन 2 से पहले इस जगह के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था और इसके कई साल बाद मूवी आई थी जिसमें वकांडा था। ये बताता है कि मार्वल अपनी मूवी में कितना ज्यादा डिटेल और ईस्टर एग डालते हैं। नंबर 5, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी हरी भरी जगह पर चलने चाहते हो तो फिर आपका जो सारा टेंशन है वो कम होता है, आपके दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। और अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ है तो ऐसी जगह जाने पर आप लाइफ को एक अलग तरीके से देखोगे। नंबर 4, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि अगर आपकी मौत होने वाली है तो इसके करीब 70-80% चांस है कि इसके बारे में आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड या फिर आपके कोई क्लोज वन को ये सपना पहले ही आ चुका होगा और ये एक वीक के अंदर ही होता है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। नंबर 3, जेम्स बॉन्ड के एक्टर रॉजर मोरे ने खुद जेम्स बॉन्ड का रोल निभाने से मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया तो इन्होंने कहा कि मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा है, लेकिन वही जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में जो को-स्टार होती है यानी एक्ट्रेस वो ज्यादा से ज्यादा 20 साल की होती है, यानी कि उनके पोती की एज की होती है और इसलिए उन्हें ये चीज बहुत डिस्गस्टिंग लगती है और बस इसी वजह से उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया। नंबर 2, अगर आपने ऐसी पेंसिल देखी है जिसमें इरेजर आता है तो नोटिस क्या होगा कि ज्यादातर वक्त ये इरेजर पिंक कलर का ही होता है। तो आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जब पहले इरेजर बनाया जाता था तो उसमें प्यूमिस डाला जाता था, इसके बिना इरेजर अच्छे से काम नहीं करता था और इस प्यूमिस का जो कलर होता था वही इरेजर का कलर होता था। ऐसे में बच्चों के लिए जो पेंसिल बनाई जाती थी जिसमें इरेजर होता था उसमें खास प्यूमिस का यूज किया जाता था, वो पिंक कलर का होता था, इसलिए इरेजर का कलर पिंक होता है। नंबर 1, सबके फोन में जो बैटरी स्टेटस होता है वो हमेशा राइट में क्यों होता है? तो ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई खास रीजन तो नहीं है। सबसे पहली वजह है कि जब पहली बार फोन को रिलीज किया गया था तब उसे ऐसे ही राइट में रखा गया था क्योंकि सबसे पहले टाइम दिया गया था फिर बैटरी, तो उसके टाइम को लेफ्ट में रखा गया और बैटरी को राइट। इसके बाद जब स्मार्टफोन आए और स्क्रीन के अंदर सेल्फी कैमरा आने लगे तो कैमरे को लेफ्ट साइड रखा गया था क्योंकि वहां से फोटो खींचना आसान होता था, इसलिए बैटरी को राइट साइड रखा गया और फिर कुछ जगह पर कैमरे को बीच में से नॉच दिया जाता था। इसमें टाइम को लेफ्ट साइड रखा गया और बैटरी को राइट साइड में। आपने कभी कैमरा को राइट में नहीं देखा होगा और इसीलिए बैटरी हमेशा राइट में होती है क्योंकि कैमरा लेफ्ट में होता है। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि 2 मिलियन भी बहुत करीब है। और हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।